जय हिंद दोस्तों। देखिए हम औसत देख रहे हैं, ठीक है। टॉपिक्स हमारा चल रहा है सी सेट में। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला दिए गए हैं जो कि आपको बहुत काम आएंगे। जो भी क्वेश्चन हम कराएंगे उनमें फार्मूला मतलब हम पुट करेंगे, राइट, जो भी हमें नीड होगी इस फॉर्मूले की। तो ये प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, इससे सीरीज दी होगी आपको, तो पूछा जाएगा प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो एक सीरीज में आपको समझ में नहीं आएगी कैसे निकाले, देन एक फॉर्मूला लगेगा, राइट। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, एन प्लस वन अपॉन टू, ठीक है। प्रथम एन क्रमांगत सम संख्याओं का औसत, देखिए आपको सीरीज दी होगी उसमें से इस तरह से लिखा होगा कि प्रथम एन क्रमांगत सम संख्याओं का औसत बताइए, तो क्या होगा, एन प्लस वन। जितनी से मतलब सीरीज दी होगी वहां तक, एन तक दी होगी, मतलब लास्ट जो संख्या होगी उसको प्लस वन कर देंगे, निकल के आएगा आपका, राइट। प्रथम एन क्रमांगत विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, एन होगा, ठीक है। एक से एन तक की, ठीक है, एक सीरीज होगी एक से लेके एन तक की विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, जो अंतिम विषम संख्या होगी उसमें प्लस वन कर देंगे, अपॉन टू हो गया, ओके। एक से लेके एन तक की सम संख्याओं का औसत कितना होगा, एक सीरीज दी होगी जो एक से लेके एन तक सम की संख्याएं दी होंगी उसमें क्या होगा, आपको सम संख्याओं का औसत पूछा गया होगा, तो एक से लेके एन तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा, अंतिम सम संख्या प्लस वन, इसको डिवाइड करेंगे टू से, राइट, तो निकल के आएगा आंसर। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, तो एन प्लस वन, टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स ए, आपका फॉर्मूला वहाँ पे लगेगा। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के औसत के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला लगेगा, एन प्लस वन, टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स, ओके, इतना नोट करिएगा। आगे के फॉर्मूले मैं लिखवा देती हूँ, ठीक है। देखिए अब आपका नेक्स्ट फॉर्मूला बचते हैं दो तीन हैं। प्रथम एन क्रमांगत सम संख्याओं के वर्गों का औसत आपसे पूछा है, प्रथम एन क्रमांगत सम संख्याओं के वर्गों का औसत, ठीक है। पिछला जो हमारा था प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत जो था एन प्लस वन, टू एन प्लस डिवाइड बाई सिक्स था, राइट, तो यहां पूछा प्रथम एन, देखिए मैं लिख देती हूं, प्रथम एन क्रमांगत, ठीक है, प्रथम एन क्रमांगत सम संख्याओं के, ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन दी है कि सम संख्याएं का बोला गया, ठीक है, सम संख्याओं के, है ना, वर्गों का औसत पूछा गया है, वर्गों का औसत क्या होगा। सीरीज बेस्ड कई क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, हर एग्जाम में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो ठीक है, वो टफ लगते हैं बहुत ज़्यादा देखने में। तो इसका क्या होगा, टू एन प्लस वन, ठीक है, टू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन, ठीक है, यहाँ पे टू यहाँ मतलब ब्रैकेट के बाहर रहेगा, फिर कैसे आएगा, टू एन प्लस वन, ठीक है, यहाँ पे टू ब्रैकेट के अंदर ही, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ये डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, ये वाला आप फॉर्मूला लगा देंगे सीरीज में, ठीक है, इस तरह की सीरीज दी होगी, कंडीशन पूछी होगी, वाला फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा आपका, राइट, ईजिली आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। एन तक की नेक्स्ट फॉर्मूला है, एन तक की क्रमांगत सम संख्याओं के वर्गों का औसत, एन तक की क्रमांगत सम संख्याओं के वर्गों का औसत, कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या दिया था, प्रथम एन क्रमांगत सम संख्याओं के वर्गों का औसत, यहाँ पे सिर्फ इन्होंने क्या दिया, एन तक एक सीरीज दी होगी, एन तक की क्रमांगत सम संख्याओं के वर्गों का यहाँ पे, और बहुत ही छोटा सा अंतर रहता है, जब आप क्वेश्चन करेंगे ना ये चीज़ बहुत क्लियर हो जाएंगी, राइट। तो यहाँ पे क्या है, एन तक की सम संख्याओं के वर्गों का औसत कैसे निकालेंगे ये, ठीक है, यहाँ पे क्या, यहाँ पर फॉर्मूला बिल्कुल सेम दिखेगा आपको, एन प्लस वन हो जाएगा, राइट, और एन प्लस टू हो जाएगा, ठीक है, और डिवाइड बाई कितना रहेगा, थ्री रहेगा, सेम दिख रहा है ना, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला लगेगा। याद करने का तरीका क्या है, यहाँ पे टू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन, यहाँ पे क्या है, टू नहीं है, सिर्फ एन प्लस वन, एन प्लस टू है, ठीक है, ये वाला टू नहीं है, ये वाला स्टार्टिंग वाला टू नहीं है, ठीक है, कैसे भी आप जैसे याद रखना चाहें वैसे रखिए याद, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं एन तक की क्रमांगत विषम संख्याओं के वर्गों का औसत, ठीक है, यहाँ विषम, यहाँ सम संख्याएं पूछी गई थी, अब हम विषम संख्याओं के वर्गों का औसत पूछेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए, एन तक की,
एन तक की क्रमांगत विषम संख्याओं के वर्गों का औसत, एन तक की क्रमांगत विषम संख्याओं का, हाँ विषम संख्याएं पूछी गई हैं, विषम संख्याओं के वर्गों का औसत, राइट। यहाँ पे सम संख्या पूछ रही थी, अब यहाँ पे विषम संख्याओं की बात आ गई, वर्गों का औसत कितना होगा, ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, n n प्लस टू डिवाइड बाई थ्री, राइट, सिंपल सा है, n n प्लस टू डिवाइड बाई थ्री होगा, ठीक है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत कितना होगा, ठीक है, ये लास्ट रह जाता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, ठीक है, प्रथम n ऊपर लिख दूं क्या, ठीक है ऊपर, नेक्स्ट, ठीक है मिटा देते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं ऊपर, ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, ठीक है, एन एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई फोर, ये आपका हो जाएगा एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। तो औसत से रिलेटेड जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट थे, जो क्वेश्चनों में यूज होंगे, वो आपको मैंने करा दिए। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन करते हैं, राइट, ठीक है, प्लीज चैनल को सपोर्ट करिए, अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब से सर मोटिवेशन मिलता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।